खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में लगातार कोरोना वायरस का कहर जारी है। रामगंज, शास्त्री नगर, मालवीय नगर और महेश नगर को हॉटस्पॉट बनाया गया है। इन स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की जा रही है। लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने के लिए कहा जा रहा है। पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। आपको हम बताते चले कि इन इलाकों में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आने से पुलिस प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी हैं। इसके बाद हॉटस्पॉट बना दिया गया। तो पुलिस की टीमें लगातार चेकिंग कर रही हैं और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जयपुर की ये तस्वीर। राजस्थान में आज कोरोना के 84 कोरोना पॉजिटिव के नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,898 हो गई है। राजस्थान में कोरोना के चलते अब तक 107 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के 33 में से 31 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले जयपुर में सामने आए हैं। यहां 1,164 लोग कोरोना संक्रमित है। राजस्थान में लगातार जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद भी संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में ही देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3,000 से ज्यादा हो गई है, लगभग 4,000 पहुंचने वाली है और लगातार प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जितने भी लोग हैं उनसे लॉकडाउन का पालन कराया जाए। अरविंद पालावत हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अरविंद, कोरोना वायरस को लेकर क्या ताज़ा अपडेट है राजस्थान के? जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है और आज सुबह जो मेडिकल रिपोर्ट जारी हुई है उसमें 84 जो नए कोरोना पॉजिटिव है वो यहाँ पर सामने आए हैं। इसमें उदयपुर के 11 लोग हैं, जयपुर के 11 लोग हैं, उदयपुर के 40 कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर हैं, जबकि पाली में 5 है, कोटा में 3 है, अजमेर में 6 लोग यहाँ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, डूंगरपुर और नागौर में 1-1 व्यक्ति यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव आया है, जबकि टोंक में 2, चित्तौड़गढ़ में 5, राजसमंद में 4, जालोर में 4 और करौली में जो 2 लोग हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव है। मृतकों की संख्या अब तक 108 यहाँ पर पहुंच चुकी है। हालांकि राजस्थान के लिए एक राहत की बात ये कही जा सकती है कि राजस्थान की जो रेट ऑफ रिकवरी है वो काफी ज्यादा है। ये कहा जा सकता है कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ रिकवरी जो है कोरोना पेशेंट्स की वो यहाँ पर है। अब तक करीब 58% जो लोग हैं वो कोरोना से यहाँ पर जंग जीत चुके हैं। 58% लोगों की जो कोरोना रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुके हैं। आपको बता दें 3,898 जो टोटल केसेस हैं वो राजस्थान में फाइंड आउट हुए हैं और इनमें से 2,253 की जो रिपोर्ट है वो अब नेगेटिव आ चुकी है और बड़ी बात यह है कि इनमें से 1,993 लोगों को अब तक जो है अस्पताल से उनका क्वारंटाइन पीरियड जब पूरा हो गया, उनकी जब जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो उनको होम आइसोलेशन में होम क्वारंटाइन अब किया गया है। तो 1,993 करीब 2,000 के आसपास जो संख्या है वो ऐसे लोगों की जो अब अपने घर जा चुके हैं कोरोना से जंग जीत करके। तो वहीं यदि एक्टिव केसेस की बात करें तो एक्टिव केसेस में कोई ज्यादा इजाफा यहाँ पर नहीं हो रहा। हालांकि जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन जो मामले एक्टिव केसेस हैं उनमें ज्यादा इजाफा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि देखिए जो लोग हैं उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है, कुछ की रिपोर्टिंग जो रिपोर्ट्स है वो नेगेटिव आ रही है। ऐसे में लगातार जो एक्टिव केसेस हैं वो अब करीब 1,537 यहाँ पर रह गए हैं, जबकि करीब 300 लोग ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है लेकिन उनका क्वारंटाइन पीरियड जो 14 दिन का होता है आइसोलेशन पीरियड वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो उन्हें भी अस्पताल में रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि राजस्थान में ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है, राजस्थान की रेट ऑफ रिकवरी काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो लगातार जो हॉटस्पॉट्स नए नए बन रहे हैं वो एक चिंता का सबब यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए सबसे पहले भीलवाड़ा यहाँ सामने आया, फिर उसके बाद में उदयपुर, कोटा, टोंक जैसे ये जो जिले हैं वो यहाँ पर सामने आए, लेकिन अब अचानक से जो उदयपुर है वो एक ऐसा बड़ा जिला यहाँ पर सामने आ रहा है, जिलों की नगरी जिसे कहा जाता है उदयपुर, वहाँ पर लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं और 2 दिन पहले जहाँ पर 19 की जो संख्या हुआ करती थी लेकिन अब लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं, आज सुबह 40 कोरोना पॉजिटिव उदयपुर में आए हैं और इसके साथ जो संख्या बढ़कर है वो 173 यहाँ पर हो चुके हैं। तो वहीं राजधानी यदि जयपुर की बात करते हैं तो आज सुबह 11 पॉजिटिव यहाँ पर आए, उसके साथ जो संख्या बढ़कर 1,230 यहाँ पर हो चुकी है, जबकि जोधपुर में आज सुबह 1 भी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया, हालांकि मेडिकल रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं है
लेकिन उसके बाद जब मेडिकल रिपोर्ट जारी हुई उसके कुछ देर बाद एक जो पॉजिटिव है वहां पर जरूर सामने आया है। तो इसके साथ जो मेडिकल रिपोर्ट की बात करें तो 873 जो कोरोना पॉजिटिव है वो वहां पर है, जबकि अजमेर में 226 कोरोना पॉजिटिव अब तक है। आज सुबह 9 जो 6 नए कोरोना पॉजिटिव है वो यहां पर मिले, जबकि चित्तौड़गढ़ भी एक ऐसा नया जिला सामने आया था जो हॉटस्पॉट बनकर के उभरा और लगातार जो पॉजिटिव मामले हैं वो यहां पर सामने आ रहे थे। अब तक 141 कोरोना पॉजिटिव चित्तौड़गढ़ जिले में हो चुके हैं। तो ऐसी ही यदि बात करते हैं नागौर की तस्वीर, तो नागौर में 123 जो कोरोना पॉजिटिव है वो यहां पर है। कोटा में 253 कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। टोंक वहां पर 142 कोरोना पॉजिटिव है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि लगातार जो कोरोना पॉजिटिव है उनकी संख्या बढ़ रही है। हालांकि एक दूसरी चीज कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ने में एक और चीज सामने आई कि तबलीगी जमात की सुरक्षा व्यवस्था के लिए वहां पर जिन लोगों को बीएसएफ के कमांडोज को बीएसएफ के जो जवानों को तैनात किया गया था तो उनमें से भी करीब 42 लोग जो है वो यहां पर कोरोना पॉजिटिव आए। हालांकि एक दूसरी बात और कि ईरान से जिन भारतीयों को एयरलिफ्ट करके लाया गया था उनमें से भी 61 लोग यहां पर सामने थे। ऐसी स्थिति में 3898 की जो संख्या है उसमें करीब 100 से ज्यादा जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो या तो तबलीगी जमात से आए थे या या तो ईरान से आए थे या जो तबलीगी जमात में जो बीएसएफ के जो कमांडोज लगाए गए थे उनमें से 42 जो पॉजिटिव यहां पर निकले हैं जो वहां पर स्थिति को काबू में करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनमें से 42 लोग यहां पर पॉजिटिव पाए गए। तो ये सभी लोग जोधपुर लाए गए थे और जब उनकी रिपोर्ट की जब उनकी जांच की गई तो उसमें पॉजिटिव निकले। तो ऐसी स्थिति में 42 लोग वो भी सामने आए। और आपको बता दूं अंशिका एक और बात कि राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जिसने लार्ज नंबर ऑफ जो सैंपल्स है वो यहां पर कलेक्ट किए हैं। 166,000 जो सैंपल्स हैं वो करीब यहां पर कलेक्ट किए जा चुके हैं। इनमें से 158,000 की जो सैंपल रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है, जबकि 3,898 की रिपोर्ट जो है वो यहां पर पॉजिटिव आई है, जबकि 3,696 जो कोरोना पॉजिटिव हैं कोरोना के जो सैंपल्स लिए गए हैं उनकी जांच रिपोर्ट आना भी पेंडिंग है। साथ ही राजस्थान ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर 2 मार्च को जो कोरोना की टेस्टिंग कैपेसिटी थी वो जीरो थी। यहां पर जब कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया तो उसकी जो जांच के लिए जो सैंपल भेजा गया वो पूना भेजा गया था, लेकिन आज राजस्थान की कैपेसिटी 10,500 सैंपल पर डे कलेक्शन की और पर डे चेकिंग की यहां पर हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान के लगभग सभी जिलों के आसपास के जो जिले हैं संभाग स्तर पर वहां पर जो मशीनें हैं वो लगा दी गई हैं जिससे सैंपल भी जल्दी होंगे, साथ ही यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसकी भी जानकारी जल्द मिलेगी। बिल्कुल अरविंद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाई है। तमाम आंकड़े अरविंद पलावत हमारे संवाददाता ने आपके सामने रखी है कि राजस्थान में इस वक्त क्या स्थिति है हर जिले की।